एवरीवन, प्रोलिक स्टेज पर मैं संगीता बठेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी की बहुत डिमांड थी कि मैं जैकरी का इस्तेमाल करना बताऊँ, आटे का हलवा गुड़ के साथ कैसे बनाया जाता है ये आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और प्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। गुड़ का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम आटा, गेहूं का आटा है ये, 200 ग्राम गुड़ जिसे थोड़े बारीक टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है, ग्रेटेड किया हुआ सूखा नारियल, इसको कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है, काजू, किशमिश और बादाम चॉप किए हुए, 3/4 बाउल लिया है घी, देसी घी का ही इस्तेमाल होता है हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले आप गुड़ के साथ 3 गुना पानी लेंगे। आटे का हलवा वैसा अगर आप बनाते हैं तो 2 गुना पानी, लेकिन गुड़ के साथ हमें 3 गुना पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि गुड़ वरना गले में ड्राई लगता है। गुड़ के साथ हमें इस पानी को बॉईल करना है। ये हमारा गुड़ का पानी बॉईल हो गया है। इस गुड़ में हमारे सेसमी सीड्स हैं, यानी कि तिल। बाजार में कहीं कहीं गुड़ ड्राई फ्रूट वाला और तिल वाला मिलता है, आप वो भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अब हम इसे हटा देंगे। कढ़ाई में आप घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें आटा डाल के आटा को भूनेंगे। जैसे ही घी और आटा गर्म होने लगे आप फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। मैंने इंडक्शन कम कर दिया है क्योंकि आटे को हमेशा बहुत कम गैस पे ही आप इसे भूनिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे का। अगर आप जल्दी भूनेंगे आटा जल्दी ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा, आटे का जो कच्चापन है वो खत्म नहीं होता है और हलवे का टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है। इसलिए कोई भी हलवा बनाए हमेशा उसे बहुत धीरे धीरे सिम गैस पे ही उसे भूने। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन फाइनली जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे ही ये थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो, तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं धीरे गैस पे भूनते हुए, जैसे ये ब्राउन शुरू हो तब गैस को आप बिल्कुल और कम कर देंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नारियल को ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को, ताकि ये थोड़ा इसके अंदर रोस्ट हो जाए। ये हमारा आटा भून के ब्राउन हो गया है, अरोमा आने लगता है, देन आप हम गुड़ इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हलवा खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये बारिश के मौसम और सर्दी के समय पे ही खाना चाहिए क्योंकि इसकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म रहती है। ये हमारा घी छोड़ गया है और हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। लीजिए, तैयार है हमारा गुड़ का हलवा। इसे आप भी खाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। और प्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।